तो चलिए दोस्तों आज अनबॉक्स कर लेते हैं वीवो की तरफ से आने वाला Y73। तो गाइस कुछ तरीके से आपको बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है Y73 का, और यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएंट है वो 8GB 128GB रोम वाला वेरिएंट। तो कुछ इस तरीके से आपको बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है। बैक साइड में कुछ की हाईलाइट फीचर्स बता देता हूँ, जैसे कि इसके अंदर मिलती है आपको 33W का सपोर्ट, उसके साथ ही 7.38mm काफ़ी पतला होने वाला है हमारा ये वाला फ़ोन। इसके साथ तीन कैमराज बैक साइड में मिलते हैं, जिसमें से 64MP का मेन कैमरा है, 8GB आपको इसमें रैम मिलती है और 3GB की एक्सटेंडेड रैम मिलती है देखने के लिए, और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके साथ ही हमारे पास जो कलर है वो है रोमन ब्लैक कलर, जैसे कि आपको मेंशन किया हुआ है, 8GB 128GB रोम वाला। प्राइस जो है 24,990 है बॉक्स पर, लेकिन ये आपको 21,000 रुपये के प्राइस में मिलेगा। तो चलिए इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या कंटेंट होने वाले हैं। तो चलिए निकालते हैं बाहर, और यहाँ पर मिल जाता है आपको सिलिकॉन कवर ट्रांसपेरेंट वाला, यहाँ पर सिम जैक्सन पिन और कुछ पेपर वर्क देखने के लिए मिल जाता है, और जो कवर की क्वालिटी है वो काफ़ी ठीक ठाक सी है। उसके साथ ही यहाँ पर रखा हुआ हमारा फ़ोन, तो चलिए इसको निकालते हैं बाहर। और गाइस काफ़ी लाइट वेट लग रहा है फ़ोन, और काफ़ी अच्छा ग्रिप क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर देख सकते हो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि मेंशन किया हुआ है। और गाइस फ़ोन की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी लाइट वेट लग रहा है फ़ोन, और कॉम्पैक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, पहले देख लेते बॉक्स के अंदर हमें और क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाता है। कुछ EMI नंबर्स मिलते हैं आपको यहाँ देखने के लिए। उसके साथ ही यहाँ पर गाइस आपको मिल जाती है एयरफोन्स जो वीवो की तरफ से आते हैं, कुछ इस तरीके से वीवो की ब्रांडिंग के साथ। और उसी के साथ यहाँ पर मिल जाती है आपको एक टाइप सी केबल, और उसके साथ यहाँ पर मिल जाता है हमें एक 33W का फ्लैश चार्जर। तो चलिए इन सबको रखते हैं वापस और आते हैं अपने डिवाइस की तरफ। तो वैसे यहाँ पर रखा हमारा डिवाइस, तो चलिए इसको निकालते हैं इस प्रोटेक्टिव कवर से बाहर और देखते हैं कैसे क्वालिटी। और गाइस रियली में काफ़ी अच्छा फ्रंट से लग रहा है फ़ोन, और बैक साइड से देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है। यहाँ पर आपको कुछ कैमरा मॉड्यूल इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है, और पीछे ग्लास जो है वो भी काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पर देख सकते हो। और जो डिज़ाइन है ना गाइस काफ़ी अच्छा है फ़ोन का, काफ़ी आई कैचिंग सा है। तो चलिए इसको बूटअप कर लेते हैं, फिर करते हैं इसका एक फिज़िकल ओवरव्यू। तो गाइस सामने की तरफ इसके अंदर आपको 6.4 इंच की एक सुपर एमोल्ड डिस्प्ले मिल जाती है, जो कि 60Hz पे काम करती है, और उसी के साथ आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है इस फ़ोन के अंदर। साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सिम ट्रे देखने की मिल जाती है, जिसमें आपको 2 SIM और 1 SD कार्ड काफ़ी ईजिली लगा सकते हो। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको सेकेंड नॉइस कैंसिलेशन माइक देखने के लिए मिल जाता है। और राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे पॉइंट मिल जाते हैं, जैसे कि पावर बटन, वॉल्यूम कंट्रोल से एक ही साइड में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी पोजीशन पे दिए हैं और आप काफ़ी इजीली से यूज़ कर सकते हो। बॉटम साइड में देखोगे तो यहाँ पर आपको सारे पोर्ट देखने के मिल जाते हैं, जैसे कि स्पीकर के लिए टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, एक माइक और 3.5mm का हेडफोन जैक। और बैक साइड में देखोगे तो गाइस यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाता है। जो कैमरा मॉड्यूल है ना गाइस वो काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में, और काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैमरा का लुक जो देखने के लिए मिल रहा है 64MP का, इसमें आपको मेन कैमरा मिल जाता है, 2MP का वाइड एंगल है और 2MP का पोर्ट्रेट मिल जाता है, काफ़ी वेट वगैरह काफ़ी अच्छा। और देखिए मैं कंपेयर कर देता हूँ, जितना हमारा पेन होता है ना गाइस उतना ही पतला हमारा फ़ोन है ये देखिए। तो कुछ तरीके से आपको पेन जितना ही पतला फ़ोन मिलने वाला है। और गाइस काफ़ी अच्छा फ़ोन है रियली में, इसका जो कैमरा है ना वो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे पहले ही यूज़ कर लिया है। कैमरा आपको सारे सैंपल्स में दिखाऊंगा, और कुछ तरीके से आपको फ़ोन का लुक देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए सेटअप कर लेता हूँ फ़ोन को। तो फ़ोन हमारा हो गया पूरा सेटअप, और कुछ तरीके से आपको 6.4 इंच की सुपर एमोल्ड डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल और कुछ तरीके से लुक देखने के लिए मिल जाती है। और डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर देख सकते हो एज टू एज आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। राइट सरफेस पे देखोगे तो आप किसी भी एंगल से डिस्प्ले को देखोगे तो आपको कोई भी ब्लैक शेड्स वगैरह देखने के लिए नहीं मिलते। और उसके साथ ही यहाँ पर कुछ तरीके से यूज़र इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है। अबाउट फोन में डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। साथ ही यहाँ पर आपको 2.05 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि मीडियाटेक का G95 है। उसके साथ ही 8GB की रैम और 3GB की एक्सटेंडेड रैम आपको देखने के लिए मिल जाती है। एंड्रॉयड 11 आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है, और उसके साथ ही 128GB रोम है हमारे पास। और यहाँ पर और भी डिटेल्स है, तो चलिए मैंने इसमें सेटअप कर लिया है इसका फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को यूज़ करते हैं, और देखिए टच करते ही काफ़ी अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करता है। ये देखिए जैसे आप टच करोगे वैसे ही अनलॉक हो जाएगा, ये देखिए। तो फिंगरप्रिंट सेंसर में कोई इशू नहीं लग रहा मुझे, ना कोई डीले है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए फेस अनलॉक भी देख लेते हैं। तो फेस मेरा बिल्कुल सामने ही है, और जैसे पावर बटन दबाता हूँ वैसे ही अनलॉक हो जाता है। ये देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है गाइस इसका फेस अनलॉक भी। तो चलिए कैमरा डिटेल्स भी देख लेते हैं, कैमरा क्वालिटी कैसी है फ़ोन की। तो चलिए एक सेल्फी कैमरे से पिक्चर क्लिक कर लेते हैं,
तो यहाँ पर कुछ तरीके से कैमरा डिटेल्स आपको देखने की मिल जाती है। और गाइस जो कैमरा डिटेल्स है वो काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, काफ़ी अच्छे शेड्स वगैरह, काफ़ी लाइट वगैरह काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करा रहता है इसका कैमरा। और आप खुद ही देखिए कितने अच्छे फोटोज़ आपको दिखाई दिए इंडोर के अंदर, आउटडोर में भी आपको कुछ खींच के दिखाऊंगा। तो आप बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसी लगी इस फ़ोन की वीडियो क्वालिटी और कैमरा क्वालिटी। तो यहाँ पर देख सकते हो आउटडोर में भी काफ़ी अच्छी अमेजिंग पिक्चर्स इसने क्लिक करके दिए हमें, ये देखिए। और जो लाइट है ना काफ़ी अच्छे कलर जो है वो काफ़ी एक्यूरेसी के साथ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो इसका फोकस है वो किस तरीके से देख सकते हो किस तरीके से लेता है एकदम से, ये देखिए एकदम से ऑब्जेक्ट में हटाऊंगा साइड में और ये देखिए ऑटोमेटिकली फोकस काफ़ी इजीली ले लेता है। तो उसके साथ ही कुछ कैमरा सैंपल्स आपने देख लिए। तो गाइस ये था वीवो Y73 की एक अनबॉक्सिंग, एक रिव्यू। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।